नशा निवारण सेमिनार का आयोजन थाना इंदौरा के अंतर्गत हिमाचल पंजाब सीमा स्थित डांगूपीर पुलिस चौकी में किया गया, जिसमें डीएसपी नूरपुर साहिल अरोड़ा मुख्य रूप से उपस्थित हुए। इस सेमिनार की अध्यक्षता डीएसपी नूरपुर साहिल अरोड़ा द्वारा की गई, जिसने पंजाब पुलिस के सीआईए स्टाफ के एएसआई किशोरी लाल व एएसआई दर्शन लाल, एएसआई हरप्रीत व नरिंदर सहित कई गांववासियों ने भाग लिया। इस मौके पर सभी ने एकजुट होकर चिट्ठे के खात्मे को लेकर नारकोटिक जिला प्रभारी अजीत कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि उनके प्रयासों व पंजाब पुलिस के सहयोग से चिट्ठे के गढ़ बदरोहा में लगभग इसका सफाया हो चुका है। नीतियों के अकॉर्डिंगली एक नशा निवारण समितियां हमने गठन करी है पूरे हिमाचल में। तो ये नशा निवारण समिति की आज जो है मीटिंग डांगूपीर चौकी में हमने ली है, जिसमें लोगों को नशा निवारण वर्ग के बारे में बताया गया, लोगों से अपील की गई कि पुलिस का सहयोग करें, एक कमेटियां गठन करें नशा निवारण की, और जिसमें पुलिस का पूरा सहयोग दें और पुलिस को इन्फॉर्मेशन दें जहाँ जहाँ नशा बिक रहा है और जहाँ जहाँ नशे का उपयोग हो रहा है, वो पूरी इन्फॉर्मेशन पुलिस के साथ शेयर करें। साथ ही अपने जो बच्चे हैं अपने आसपास पूरा ध्यान रखें, कोई नशा कर रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दें, ताकि जो कि है लोगों को नशे की जो कि गिरफ्त से छुटकारा मिल सके और नशे के खिलाफ जो हमारा चलाया गया अभियान है इसको कामयाब बनाया जा सके। सर हमेशा ये छोटी छोटी मछलियां पकड़ी जा रही, बगड़ा कोई आज तक नहीं ये हिमाचल पुलिस पड़े, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखो, इसी के लिए हमने आज ये मीटिंग रखी है। हम जैसे कि मैंने बताया कि पिछले 3-4 महीने में हमने कोई 3 दर्जन के आसपास नारकोटिक के केसेस पहले दे दिए हैं, जिसमें छोटे बड़े दोनों तरह के केस हैं। तो जब तक जन सहयोग नहीं होगा, जब तक लोग हमें पुख्ता खबर नहीं देंगे, तब तक बड़ी मछलियों को जो पकड़ना है इतना आसान नहीं है। फिर भी हमने अपने सोर्स बनाए हुए हैं, पंजाब पुलिस के साथ हमारी रेगुलर जो कि लाइजनिंग हो रही है, जल्दी बड़ी मछलियों को भी पकड़ लिया। सर पुलिस की ओर से तो लोगों का सहयोग मांगा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये डर रहता है कि कहीं सूचना देने पर पुलिस उन्हें ही ना हरास करे या कहीं जगह पर उनके मन में डर बना रहा है, तो उसके लिए क्या कहना? देखिए, इसी के लिए ही आज की ये मीटिंग का गठन किया गया है। मैंने जैसे पहले मीटिंग में भी बताया कि जब तक लोगों का पुलिस के साथ सहयोग नहीं होगा, जब तक आपस में एक ट्रस्ट फैक्टर जो है वो बिल्ड नहीं होगा, तब तक जो कि ये नशा के खिलाफ हमारा जो अभियान है अधूरा है। मैं लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि किसी भी तरह की कोई भी हरासमेंट उनको नहीं होगी, अगर कोई ऐसा होता है तो उसके लिए हम जिम्मेवार होंगे। कोई भी दिक्कत होती है इस तरह की वो मेरे पास कभी भी आ सकते हैं। साथ ही हमें जो पुख्ता इन्फॉर्मेशन दे जो नशा तस्करों के बारे में, ताकि इनके ऊपर काबू पाया जा सके। डीएसपी एसपी हिमाचल तक सारी चिट्ठियां पई और चिट्ठिया मेरे को पई, मैं प्रूफ रखे दे, पर जदों तक अपने पिंड के बंदे साथ नहीं देंगे कि नशा मुक्त होगा? जब तक 10 बंदे इकट्ठे होकर नहीं कहेंगे कि नशा इतने बिकंडिया क्यों नहीं रोक टोक कर देंगे, वो कि नशा बिकेगा पुलिस को वाकया ही नहीं पता होगा। पिछले बार अही कुछ 2 साल पहले अही ठेके की भी मांग की थी भी इतों ठेका चुकया जाए, अभी वह भी मांग की थी काफी ज्यादा। मैं उदो भी बहुत ज्यादा मैं लड़ाई की थी, बहुत ज्यादा संघर्ष किया, काफी लोगों ने मेरा विरोध किया उदो भी, कि लोग कहते भी यार बंदा पागल हो गया, भैन भाड़ी रोटी से लात मारता टीम मारता, मंदिर के सामने रास्ते चलाए जाने दे अज रास्ते की करती पुलिस? जो पुलिस को कंप्लेन करता एक प्रधान, पुलिस की गलती गौर नहीं करती, फिर पुलिस को मैं कितना ही कोऑपरेट करिए? फिर पुलिस से अभी पुलिस को जो कहने प्रधान के खुद बार होंगे, प्रधान के उत्ते पुलिस कोऑपरेट नहीं करती, पुलिस की जी एप्लीकेशन देता प्रधान उत्ते गौर नहीं करती, क्यों नहीं करती? प्रधान एक मानता प्राप्त नहीं है, तेन पिंडा का सरदार होंगे हो मुहिम पाती है भी इस काम को खत्म किया जाए, घर घर जाके हर बच्चे तलाह देते हैं भी इस काम तो बचो, जो अं इस चीज में स्टैप चुकते हैं तो फिर पुलिस क्यों नहीं साथ देती? मैं DSP को भी गया, मैं SP तक भी गया, कि बंद ने मेरी गल नहीं सुनी अज तक भी, तो फिर कहते पुलिस साडा साथ नहीं देती। मैं क्यों गया फिर परसों जेले कहते खाने पीने लूंबड़ी के धौन प्रधान से, फिर यह गल नहीं ना बनती। इस करके जो पुलिस कोऑपरेट करेगी अभी पुलिस को पूरा कोऑपरेट करांगे। मैं प्रधान हो नाते मैं तिना पिंडा का प्रधान हाँ, बेलीमन का ढंग पीर धक्का बनाने का, मैनू लोग कहते सब तो खतरनाक पंचायत का प्रधान हूँ, क्यों कहते मैं मेरी गल? कई बंदे मैं जो मैं नवा नवा बनया मैं पता की कह लगे प्रधान जी मुबारक थानू, मैं जिसको नशा फड़िया गया उसकी जमानत नहीं होगी, बिकॉज सरकार की पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस नशे के खिलाफ, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस आप रखनी है, कोई पाबंदी नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि कल जरा नशे का कीड़ा है आड़े परिवार से जड़ा लग सकता है, जिदन लग गया उदन प्रस्ताव ना कुछ नहीं होना, उसको पहला आप जाग पीए, उसको पहला आप सुधर जाइए, तो उसको पहला आप आडर तरह आडर जगह तो इनफॉर्मेशन आती है, कोई इनफॉर्मेशन सच्ची होंगी है, कोई इनफॉर्मेशन झूठी भी होंगी है।
इस करके एक तरह ट्रस्ट फैक्टर है, आपस में विश्वास बनाने वाला फैक्टर आ कदे बन नहीं पाता क्योंकि पुलिस को नहीं पता इनफॉरमेशन सच्ची है झूठी है। इसे करके ही असी नशा निवारण कमेटियां का गठन किया। इतने भी मैं सारे रिक्वेस्ट करता जेडे भी मेरे इतने वीर भरा है, मेरी इतने माता है, भैन है, महिला मंडल का बहुत ये ज्यादा इंपोर्टेंस होंगी है, बहुत वो ये साथ दे सकते हैं। वह भी मेरे जो वीर भरा है जेडे चाहते हैं, जेडे वाकई चाहते हैं कि असी पुलिस के नाल मिल के नशे के खिलाफ जी कोई आम मीटिंग नहीं हैगी, जिमें बहुत इतने लोगों ने अपने विचार भी रखे कि मीटिंगा तो कई होंगे रहा। मैं इन गल का सहमत है कि मीटिंगा तो बहुत होंगे रहा, पर मीटिंगा का कोई परिणाम नहीं निकलता, कोई रिजल्ट नहीं निकलता। वो कारण यह है कि जी मीटिंग अपनी होंगी है वो प्लैनिंग नहीं होंगी, उनका परपज सैट नहीं होंगे कि अपनी मीटिंग क्यों हो रही है। मैं उदाहरण के तौर पर दसना चाहना है कि अज तो कोई 3-3.5 महीना पहला असी नशा निवारण समितियां गठन कीतियां सी हिमाचल से, उन्हें असी मीटिंग्स लेनिया शुरू कीतियां सी। तो सब तो पहली असी मीटिंग्स लेनिया सी ठाकुर द्वारे एरिए, ठाकुर द्वारा मीलवाई में। तो अज तकरीबन 3 महीने बाद यह दसते हुए सानू माण भी हुंदा फखर भी हुंदा कि साडी वो मीटिंग दे सदका वो मीटिंग का जिहड़ा साडा रिजल्ट है वो सानू मिलना शुरू हो गया। किवें शुरू हो गया मैं तुहानू दसदा, उत्थे जिहड़े साडे नाल लोकी एसोसीएट हुंदे सीगे, आम तौर पर क्या होंगे जिवें प्रधान साहब ने भी कहा, सानू पुलिस नू शिकायतां मिलदियां हर रोज़ दे। पिछले 3-4 महीने असी ऑलरेडी देते हुए हैं, NDPS है तुहाडा नारकोटिक जिहड़ा एक्ट है जिदे तहत असी अगर किसी तो नशा बरामद किया जाता है असी आ एक्ट के तहत उन्हें बुक करते हैं। हुण होर बाकी एरिया च की हुंदा है, आ जिहड़ी आपस कोऑपरेशन है, आपस कोऑर्डिनेशन है पब्लिक दी ते पुलिस दी, आ क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि जी इनफॉर्मेशन पुलिस को मिलती है बहुत ज्यादा स्कैटर्ड होती है, बहुत ज्यादा अड अड तरह तो अड अड जगह तो इनफॉर्मेशन आती है, कोई इनफॉर्मेशन सच्ची होती है, कोई इनफॉर्मेशन झूठी भी होती है। इस करके एक तरह ट्रस्ट फैक्टर है, आपस में विश्वास बनाने वाला फैक्टर आ कदे बन नहीं पाता क्योंकि पुलिस को नहीं पता इनफॉर्मेशन सच्ची है झूठी है। इसे करके ही असी नशा निवारण कमेटियां का गठन किया। इतने भी मैं सारे रिक्वेस्ट करता जेडे भी मेरे इतने वीर भरा है, मेरी इतने माता है, भैन है, महिला मंडल का बहुत। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए इंदौरा से अशोक ठाकुर की रिपोर्ट। वो ये साडा साथ दे सकते हैं, वो भी मेरे जिहड़े वीर भरा है जिहड़े चाहते हैं, जिहड़े वाकई चाहते हैं कि असी पुलिस के नाल मिलके नशे के खिलाफ जिहड़ी